अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बनाते हैं आज देसी बर्गर। तो रोज़ कुछ नया नया खाने का दिल करता है, तो क्यों ना घर में ही ट्राई किया जाए कोई ना कोई चीज़ें। तो सबसे पहले कीमा ले लेना, अच्छा वॉश कर लेना है, उसको ड्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, मिर्ची कटी हुई, बेसन और धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की एंड लाल मिर्ची की बुक्की, नमक, गार्निश किया हुआ कोथमीर और पुदीना अच्छे से ले लेना है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर और उसमें नमक ऐड करके एक लेमन ऐड कर लेना है, जो कि आपको फ्लफ़ी बनाना है और थोड़ा सा टेस्टी टेस्ट थोड़ा अच्छे से निकल के आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर आपको क्या करना है, अच्छे से मैरिनेट करना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, क्या आपके जो शहर में या आपके गांव में टमाटर और जो प्याज़ है वो क्या भाव चल रहा है? तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। सारी चीज़ें मैंने ले ली है ऑलमोस्ट, नमक डाल रही हूँ मैं, और उसके अंदर इतना नमक डालना है कि भले कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझसे अक्सर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठा करके, इसमें आप चाट मसाला भी डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा, आलू भी डाल सकते हो। मैं अलग अलग एक एक चीज़ों की रेसिपी अलग अलग बताऊंगी अभी। ये सारी चीज़ें मैरिनेट अच्छे से कर लेना है हाथों की मदद से, स्पून से करोगे तो सही से नहीं मिलेगा, हाथों को अच्छे से वॉश करके ही आपको मिक्स करना है। देन ऐसे लेकर, ये मेरे हाथ में देख सकते हो कैसे जूसी लग रहा है, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। ये रेस्ट दोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, सारा जो मसाला है अंदर चला जाएगा। तो ये देख सकते हो मैंने अच्छे से मैरिनेट करने के बाद, रेस्ट देने के बाद इसको फ्राई कर लिया है तवे पर। तवे पर फ्राई करो, फ्राई पैन पे। तो ये लीजिए आ गए हमारे प्याज और टमाटर, जो कि प्याज महंगी है, टमाटर अभी सस्ती है। तो मैंने प्याज टमाटर अच्छे से गोल गोल रिंग रिंग कट कर लेना है, उसके अंदर फिर फिल करना है आपको हर एक चीज़। मैंने मायो भी डाला है, आपको जो भी डालना है, मोजरेला चीज़ डालना है, आपको चीज़ के स्लाइसेस डालना है, वो डाल के आप अच्छे से फ्राई कर सकते हो, और बिना फ्राई वाला भी इसको सेक के भी खा सकते हो और बिना सेक कर भी खा सकते हो। जैसे कि मैंने सेका है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, ये देखिए बहुत ही यम्मी टेस्ट है। कैसा बना मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बहुत सारे वीडियो के लिए फॉलो करें।